हम तो सालों से ये दर्द जीते आए हैं। सब कुछ खो दिया था हमने हमारा, और इन सब की वजह तुम्हारे वो जहरीले लफ्ज थे यशोधरा। तुम्हारी उस बात के सदमे को नेवी की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली यशोधरा। झूठ है ये। निर्मला ने खुदकुशी जवाहर की वजह से नहीं की थी, उसने खुदकुशी इसलिए की थी क्योंकि वो पागल थी। जब आपने सुना कि बिलारकी कोठी वाले लोग आ रहे हैं, आप कितनी खुश हुई। अब 24 घंटे होने को आए, आप उनसे मिलने ही नहीं गए, ऐसा क्यों? अरे पसंद क्यों नहीं करेंगे हमें, सालों पड़ोसी रहे थे, रोज का आना जाना था एक ही घर जैसा। अरे वो इतनी दूर से आए, जरा सुस्ता ले। ये सब क्या हो रहा है दादी माँ? क्यों सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए? देखा तुमने नैनतारा, क्या शुरू कर दिया है तुमने? कम से कम मेरे सिद्धार्थ पे तो रहम करो। भूपत भाई साहब, आज आप चुप नहीं रह सकते भाई साहब, आज आपको सच और झूठ का फैसला करना होगा भाई साहब। पूछिए, अपने दिल से पूछिए और बताइए कौन सच्चा है और कौन झूठा। बोलिए भाई साहब बोलिए, आज दोनों परिवारों की खुशी और इज्जत आपके हाथ में है। सालों का रिश्ता दांव पे लगा है भाई साहब। मैंने हमेशा इस दोस्ती को मान लिया है। तुम सब लौटे तो मैं इतनी खुश थी कि मैं लफ्जों में बयान तक नहीं कर सकती। इतना सब खोने के बाद भी हमेशा इस घर के लिए दुआ ही निकली है इस दिल से। लेकिन अब ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा भाई साहब। बद्दुआ तो नहीं दूंगी मैं, मगर इस घर के लिए इस दिल से दुआ भी नहीं निकलेगी। की बात कर रही हो नैनतारा? वो दोस्ती तो उसी दिन राख हो गई थी जिस दिन तुम्हारे बेटे ने मेरे भुवन को आग में झोंक डाला था। खुश नहीं थी यहाँ आने की, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे परिवार का कोई भी मेरी जिंदगी में आए। क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन यही होगा और यही हो रहा है। इतिहास आज फिर अपने आप को दोहरा रहा है नैनतारा।
तब भी बेईमान था, आज भी है। उसने पहले भी हमें चोट पहुंचाई, आज भी उसी की वजह से हम पर कीचड़ उछाला जा रहा है। तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं है हमें। तुम तो बस अपने बेटे के लिए दुआ करो कि भगवान उसकी घिनौनी हरकतों को माफ कर सके। बस कीजिए दादी माँ। नहीं सुंदर, तुम नहीं जानते ये लोग तब से कैसे बात कर रहे हैं पापा से। दादी माँ को उनसे ऐसे बात करने की क्या जरूरत है? तुम्हें भी कोई हक नहीं है मेरी दादी माँ से इस तरह बात करने का। उन्होंने मेरे पापा के बारे में इतना उल्टा सीधा कहा, उनका दिल दुखाया, मैं क्यों नहीं? बस चुप हो जाओ निवेदिता। सिद्धार्थ, इसी लड़की की वजह से दादी माँ, एक लफ्ज और मत कहिएगा। इतने साल मेरे पापा चुप रहे, निगम अपने बेइज्जती में घुट घुट कर जीते रहे, इस पल को भी हमें एहसास नहीं होने दिया कि इतना बड़ा अन्याय हुआ था उनके साथ। और आज उनकी खामोशी का यह सिला दिया। निवेदिता, यही सोचते रहे कि हम ही बदकिस्मत है जो हमारे नसीब में माँ नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता कि हमसे हमारी माँ को छीनने वाला भगवान नहीं, कोई इंसान था। दादाजी, आपके उसूलों की तो मिसाल सुनी थी हमने हमेशा। आपके और दादाजी की दोस्ती की कसमें खाते रहे मेरे पापा, सिर्फ आपकी वजह से उन्होंने आज तक अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन आपने भी उनका दर्द नहीं देखा। आपने कभी सच्चाई जानने की कोशिश क्यों नहीं की दादाजी? आपने कभी नहीं पूछा कि उस दिन क्या हुआ था? मेरी माँ के मौत के बाद भी नहीं? क्यों दादाजी, क्यों? क्या आप साथ जाना ही नहीं चाहते थे? स्टॉप इट निवेदिता, चुप हो जाओ। इससे पहले कि मेरे दिल से तुम्हारी इज्जत मिट जाए, मैं भूल जाऊंगी तुम कौन हो, मेरी क्या रिश्ता है मेरा तुमसे और तुम्हारे परिवार से। चली जाओ यहां से और आप लोग भी जाइए यहां से। यहां रहकर भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहां सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है सिद्धार्थ। यहां सिर्फ झूठ रहेगा और तुम भी खड़े हो उसी झूठ के साथ।
जवाहर, इन लोगों से कहो फौरन यहां से चले जाएं। चलो निकलो यहां से। वो नहीं
वचन देती हूँ, जब तक मेरे साथ से चलेंगे तब तक तुम्हारी संगिनी बनी रहूंगी, सात जन्मों तक। किस दोस्ती की बात कर रही हो नयनतारा? तू ही बता। वो दोस्ती तो उसी दिन रात हो गई थी जिस दिन तुम्हारे बेटे ने मेरे भुवन को आग में झोंक डाला था। कैसी लिखी तकदीर। इससे पहले कि मेरे दिल से तुम्हारी इज्जत मिट जाए, मैं भूल जाऊं कि तुम कौन हो, मेरी क्या रिश्ता मेरा तुमसे और तुम्हारे परिवार से। चली जाओ यहां से और आप लोग भी जाइए यहां से। इतिहास आज फिर अपने आप को दोहरा रहा है नयनतारा। एक लफ्ज और मत कहिएगा, इतने साल मेरे पापा चुप रहे, निगम अपने बेइज्जती में घुट घुट कर जीते रहे। खुशी नहीं थी यहाँ आने की, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे परिवार का कोई भी मेरी जिंदगी में आए। जान देने से पहले एक बार तो उनके बारे में सोचा होता, जिनकी जान ही आप थी, मेरे और यश की तरफ एक बार देखा तो होता। माँ क्यों चली गई आप सब कुछ छोड़कर, मुझे अधूरा छोड़कर क्यों चली गई माँ, क्यों इतना क्यों डर गई आप जिंदगी से कि मौत को गले लगा लिया। आज मैं समझ पाई हूँ माँ कि मैं ऐसी क्यों, क्योंकि आप ऐसी थी। आपकी हर कमजोरी मुझ में भी है, हमेशा डरी हुई सहमी हुई सी रहती हूँ, ना खुद पे विश्वास है ना किसी का सामना करने की हिम्मत। किसने कहा तू ऐसी है? अरे तूने आ चुकी है ना मेरी बच्ची, किसी डरी हुई सहमी हुई लड़की के बस की बात नहीं थी। आज तेरी आवाज की सच्चाई के आगे औरों का चीखना चिल्लाना फीका पड़ गया। तू इतने साफ दिल की है निवी कि बड़े बड़े आदमी तेरे आगे छोटे लगने लगते हैं, और यही तेरी ताकत है बच्चे। तुझे खुद को नहीं मालूम तू कितनी हिम्मत वाली है। अपनी माँ को दोष मत दे, कमजोर वो भी नहीं थी पर कभी दर्द नहीं देखा था उसने। जब ये हादसा हुआ तो अपनी हिम्मत जुटा नहीं पाई वो, या शायद उसका और हमारा उतना ही साथ था। तू अपने पापा के लिए ही नहीं अपनी माँ के लिए भी लड़ी है। आज मेरी नीवी में असली ताकत आई है। वो चांद जो बादलों में छुपा था वो आज सामने आया है। उसकी रोशनी का एहसास सबको हो गया है। आज के बाद अपने को कभी कमजोर मत समझना, तेरी इस रोशनी पर हमेशा यकीन करना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद।
अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।